Hey guys, what's up? This is episode number 7 and today we are living for Ajmer. और जो आज की हमारी जर्नी होने वाली है, जो हमारी राइड होने वाली है, वो ज़्यादा नहीं है, 220 किलोमीटर है, तो बहुत छोटा सा स्ट्रेच है, बहुत जल्दी कवर कर लेंगे. एंड रेडिसन में जो मेरे साथ हुआ था, वॉट एवर यू सीन इन द लास्ट व्लॉग, वो मैं सब भूल गया बिकॉज आई मेट चंदन, इज अ जेम ऑफ ए पर्सन, मिस्टर राकेश एंड दिव्यांशी. सो दिव्यांशी के बारे में बता दूँ यार, ये इंस्टाग्राम पे क्या क्या करते हो आप? कोलैबोरेशन करते हो किस किस चीज़ की? ओके, सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग तो दिव्यांशी का इंस्टाग्राम हैंडल आ जाएगा, तो डू फॉलो हर. और अगर ऐसा कुछ कोलैबोरेशन होता है तो यार जाके फॉलो करो यार, दबा के प्यार दो पूरा उधर जाके. तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. और भाई हमारे पहाड़ों से हैं यार, याद दिला दी, नैनीताल की अल्मोड़ा से हैं. और दिव्यांशी नैनीताल. और आप सर? हिमाचल. है भैया, सारे पहाड़ों का कॉम्बिनेशन हुआ यहाँ पे. सो मिलता हूँ बाइक पे मोटर ब्लॉक करते हुए. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू यार, जितना भी बैड मेमोरीज थी रेडिसन की आप लोगों ने खत्म कर दिया. थैंक यू, थैंक यू. चले भैया, ओके सर, तो मिलते हैं मोटर ब्लॉक करते. सो फाइनली ऑन बाइक हमारी कंगना पे आ गए हम. और इस टाइम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और आज है दिन संडे. तारीख है 17 मार्च. तो 17 मार्च संडे और टाइम हो रहा है 11:56 और अब हम निकल रहे हैं अजमेर के लिए. और जो हमारा अजमेर है यहाँ से 189 और जो हमारी प्रॉपर्टी है वो अराउंड है 210. तो ये सामने रेडिसन का स्टाफ और ये हमारा प्यारा रेडिसन. और मैं आपको बता दूं कि जब हम जैसलमेर से निकले थे तो सॉरी सैंड ड्यून से निकले थे तब से अब तक हमने 387 चलाया है टूवर्ड यहाँ पे. और इसे हम कर देते हैं ज़ीरो, यानी ये आज का ही राइड शुरू हो जाएगी. और टोटल अभी तक हम इन 7 दिनों में बाइक चला चुके हैं 1000+504, 505 किलोमीटर. तो लेते हैं माता रानी का आराम. जय करा शेरे वाली माई का बोल, सच्चे दरबार की जय. माँ रक्षा करना. हाँ रेडिसन होटल, वो तेरी कुत्ते भी इज्जत नहीं दे रहे भाई. या तो यार अभी कुछ नहीं, पहले भरवाएंगे पेट्रोल और उसके बाद देखते हैं अजमेर का हमारा रास्ता कहाँ से निकल रहा है. सो बाय बाय जोधपुर, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आके. और दोबारा मिलेंगे यार, दोबारा आएंगे, भगवान ने चाहा तो दोबारा राजस्थान करेंगे. बट अभी तो नहीं जल्दी से, क्योंकि जो अगला मेरा क्या कहते हैं उसको फोकस है वो दो राइड्स के ऊपर है. या तो मैं साउथ करना चाहता हूँ या मैं नॉर्थ ईस्ट करना चाहता हूँ. होप सो, फिंगर क्रॉस कि जल्दी से जल्दी वो मेरा सपना भी पूरा हो और मैं आपके सामने एक नॉर्थ ईस्ट का या साउथ के व्लॉग्स दिखा पाऊँ. और यार मेरे को कई मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे कि व्हाई आई ट्रैवल सोलो, मतलब मैं सोलो ट्रैवल क्यों करता हूँ, मैं ग्रुप में या दो चार बंदों में ट्रैवल क्यों नहीं करती. पहला रीज़न होता है कि मैं नाइट में राइड नहीं करता और काफ़ी राइडर्स ऐसे होते हैं जो नाइट में राइड करते हैं. और अकॉर्डिंग टू मी एज अ सेफ राइडर, और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं और अगर आप राइडर हैं या आप राइडिंग करना चाहते हैं तो क्या करें, नाइट में राइड ना करें. बिकॉज जो विजिबिलिटी है हमारी रोड की वो एकदम ज़ीरो हो जाती है. कुछ नहीं, अभी पेट्रोल भरवाते हैं और पेट्रोल भरवाने के बाद हम सीधा मिलेंगे आपको अजमेर हाईवे पे पहुंच के थोड़ा कवर करके. यूट्यूब उस पर आएगी फ़ोटो. तू खींच मेरी फोटो पिया. वो सलमान खान कहाँ गया? सलमान खान बाल कटवा रहा. बुलाइए उसे, इधर आए, इधर ये देखो, इधर को थोड़ा सा. ये देखो हमारा सलमान भाई, क्या कह रहे हो लड़के, क्या कह रहे हो. चलो बाय बाय. सो यार ब्रेक लेना पड़ा. ब्रेक क्या लेना पड़ा, मेरा हेलमेट का जो वाइजर है वो हो गया था लूज. और मैं आपको बता दूं, अगर आप राजस्थान राइड कर रहे हो तो अपना इंश्योरेंस करा के आना. ये देखो इसे देख. क्या यार, इसे देख. क्या यार है, ये वीडियो में भी रिकॉर्ड हो गया है ये. हाँ रिकॉर्ड हो गया है.
बहुत ही बदतमीजी तरीके से चलाते हैं यार यहाँ पे लोग, बहुत ज़्यादा बदतमीजी तरीके से। मैंने सुना था, मतलब बड़ा भी था शायद नॉट श्योर, कि जोधपुर अजमेर हाईवे बहुत अच्छा है, बट भैया अभी तक तो मुझे कोई आसार लग नहीं रहे अच्छे के, कोई सिंगल लेन है अभी तक। देखते क्या होता है आगे, अच्छा हाईवे मिलता है नहीं मिलता। 128 किलोमीटर कवर कर लिया है अजमेर सिटी, जो है यहाँ से है 74 किलोमीटर्स, और हमारा होटल थोड़ा आउटस्कर्ट में है। जो आज की हमारी प्रॉपर्टी है वो है, चलो वो तो जाके ही दिखा देंगे, अभी क्या बताना। वो क्या सुंदर व्यू है, मज़ा आ गया यार देख के। बट अब जो रोड्स मिल रही हैं अच्छी मिली हैं, अभी इससे पहले 110 किलोमीटर तक रोड्स बहुत ज़्यादा बुरी हैं, मतलब अच्छा पैच आता है फिर बुरा पैच आता है फिर बहुत बुरा आता है फिर अच्छा आता है। तो देख रहे हो यार क्या व्यू है यार, मतलब ओए मज़ा आ गया, मज़ा कुछ नहीं यार। कंगना 7993 टोटल चल चुकी है, इसके भी 8000 किलोमीटर होने वाले हैं। तो इसी खास अवसर पर आज एक ऐसी चीज़ होएगी जो आपने अब तक YouTube हिस्ट्री में नहीं देखी होगी। आज वो चीज़ होगी कि आप कहोगे क्या कह रहे हो लड़के, क्या कह रहे हो। वो फटाफट से 8000 किलोमीटर का वेट करते हैं और दिखाता हूँ आपको क्या होने वाला है यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार। और कहाँ होगा भाई, आपके भाई के चैनल पे, मैं क्या चैनल लिया। और अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे तो कर लीजिए अगर आपका मन करे तो। उसमें आपको जो मेरे बिहाइंड द सीन्स रहेंगे इस पूरी राइड के, जो स्टोरीज रहेंगी वो आपको हाइलाइट्स के अंदर मिल जाएंगी, स्टोरी हाइलाइट्स के अंदर प्रॉपर डे के हिसाब से बना रखा है मैंने, तो वो आपको अच्छी लगें। तो की स्क्रीन पे यहाँ पे मेरा इंस्टा हैंडल आ रहा होगा, तो भाई कर लो, फ्री है, पैसे तो लग नहीं रहे हैं, और जिसमें पैसे नहीं लग रहे यार उसमें क्या जा रहा है, सिर्फ एक बटन ही तो दबाना है, फॉलो। प्रॉमिस कि ऐसा कुछ होगा यूट्यूब पे जो आज तक नहीं हुआ होगा। तो आज मैं कंगना से 2-3 सवाल पूछने वाला हूँ, देखता हूँ क्या जवाब देती है। तो कंगना तुम उससे प्यार करती है नहीं करती है? देखो यार बोल रही है लड़की, कभी मेरे को छोड़ेगी तो नहीं? ओ माय गॉड क्या कह रहे हो लड़के, और पूरी राइड में बिल्कुल साथ देगी? बस याद देगा, मैंने कहा यही बताना था आपको कि हमारी कंगना बोल भी सकती है, और आज तक यूट्यूब पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक मोटर ब्लॉगर ने अपनी बाइक से बात करी हो। तो कुछ नहीं यार, सीधा मिलते हैं अभी हम हाईवे के ऊपर, और कंगना का एक छोटा सा हॉर्न भी ढीला हो गया है, उसे भी कराते हैं ठीक। सो गाइस पहुंच गए हम अजमेर। वो जो हमारा होटल है वो थोड़ा आउटस्कर्ट में, अजमेर तो पीछे रह गया है करीब 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। तो जो हमारी आज की प्रॉपर्टी है वो थोड़ा आउटस्कर्ट में है, तो बस वो आने वाला है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है रमाडा। हियर वी आर एट रमाडा होटल एंट्री, और यहाँ पहले भी मैं आ चुका हूँ, मेरा पहला व्लॉग था यूट्यूब का, अर्लियर इट वॉज़ नोन एज कंट्री इन, आई थिंक अब टेक ओवर कर लिया होगा या जो भी होता है प्रॉपर वर्ड क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है। रिसेप्शन, तो फटाफट से लगेज उतारते हैं, चेक इन करते हैं, रूम टूर देते हैं, और फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। हाँ ओके ओके, तो प्यार करने वाले जंग। आज कैसी हालत है वैभव भाई, इतना थका कभी आज तक 600 किलोमीटर के अंदर, 400 में, 350 में, और आज 210-220 किलोमीटर के अंदर ही गंदी हालत है बिल्कुल। पता नहीं यार क्यों, इवन मेरे को भी बहुत नींद आ रहा था, और अभी हम फ्लोर पे तो पहुंच गए तो मेरे को भी काफ़ी नींद आ रही थी, प्लस अरे यार ये तो वही वाला है यहाँ पे मैंने अपना व्लॉग करा था यार, इस साइड है 239। अभी यहाँ पे मैंने पुराने दिन याद आ गए यार। सो हियर वी एंटर इन आवर रूम, वाई कार्ड लगा दीजिए, सॉरी। तो मैं रूम टूर आपको ऐसे ही दे रहा हूँ बिकॉज अभी हिम्मत नहीं है हमारे अंदर
कैमरा वगैरह निकालने का। सो दिस इज़ अ बेड, यू कैन सी, अच्छा बेड है, मैं यहाँ रह चुका हूँ इसलिए सिटिंग एरिया काइंड ऑफ कि आप आराम से बैठ सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, और कुछ इस तरह का व्यू दिखता है बाहर। सेम यही था, मतलब दूसरा रूम था बट यही पार्क फेसिंग था, पूल फेसिंग था, मेरे को अच्छे से याद है। पूल इनका भी चल नहीं रहा है, बहुत बढ़िया। हम बात करें अबाउट आवर वॉशरूम, सो कुछ ऐसा है हमारा वॉशरूम, दिस इज़ पाकिस्तान एज यूजल जी। बस ये था रूम टूर, अब करता हूँ बाद में बात, पहले फ्रेश हो जाए और सोचें कि आगे क्या करना है। तो बाय गाइस, बाय 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 बाय। सो गाइस बन गए हम दोनों राजा बाबू, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दरगाह शरीफ। तो दरगाह पे जा रहे हैं और मोटो व्लॉग नहीं करूँगा बिकॉज ऑलरेडी मैं अजमेर कर चुका हूँ, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि वहाँ मोटो व्लॉग करना चाहिए या दिखाना चाहिए कुछ ऐसा खास। वो लिफ्ट उधर है, भाई उधर जा रहे हैं, तो सीधा आपको दरगाह में मिलूँगा और हो सका जितने दर्शन करा सका आपको अंदर की कोशिश पूरी करूँगा। बिकॉज लास्ट टाइम भी कैमराज अलाउड नहीं थे, तो फिर भी मैंने छोटा छोटा क्लिप्स ले लिया था फ़ोन से, तो कोशिश पूरी रहेगी। तो मिलते हैं सीधा दरगाह पे पहुँच के। और भाई लोग क्या हाल चाल, मैंने सोचा मोटो व्लॉग तो नहीं कर रहा तो इस तरह से ही बात कर लें। तो अगर वॉइस बढ़िया आई, विंड प्रेशर कम, विंड ड्राफ्ट कम हुआ तो ये डालेंगे, वरना पर नहीं डालने वाले। और कुछ ऐसा व्यू है सामने तो कुछ नहीं यार, ज़्यादा रिस्क नहीं लेता बिकॉज राइडिंग करते हुए ऐसे ब्लॉक करना बहुत रिस्क वाला काम हो जाता है। तो सीधा मिलते हैं कहाँ पे, दरगाह पे पहुँच। तो बस मोटो ब्लॉक तो नहीं कर रहा हूँ, बट कोई पुराना दिन याद आ गया जब मैंने यहाँ पे आया था। और अब जो वैभव आपको गलियाँ दिखाएगा ना, बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो वैभव आपको भाई बोलते रहना, बताते रहना। सर मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है जितना विख्यात भाई को है। तो अभी चलते हैं लेके गलियों में। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ दरगाह, यू कैन सी बबे गेट देख रहे हो आप, वो दरगाह का है। तो यहाँ पे मैं अभी एंट्री किया था, भाई मिल गया सोहेल भाई, और भाई अपनी फैमिली का हिस्सा है, मतलब अपने चैनल का हिस्सा है। तो भाई वीडियोस बढ़िया लग रही है ना? बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू सो मच। और ये थोड़ा सा बताओ उर्स होता क्या यार, जो त्यौहार चल रहा है ये क्या रहता है कि पता भाई ये सरकार गरीब नमाज का उर्स रहता है। इसमें एक 6 तारीख को जो कुल के रूप में मनाया जाता है, ओके, और एक 9 तारीख जो कल कुल के रूप में मनाया है। कोशिश करूँगा कि अंदर दर्शन करा पाऊँ, वैसे अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि थोड़े बहुत शॉर्ट्स ले पाऊँ आप लोगों के लिए। तो सोहेल भाई के लिए लाइक कर देना यार वीडियो को। अब तो सोहेल भाई भी मिल गए यहाँ पे, तो सोहेल भाई आगे शेयर जरूर करना। मैं भी एक्चुअली राजस्थान राइड में हूँ, मैं पूरा होके आया हूँ पोखरण जैसलमेर वगैरह बॉर्डर वगैरह अपना पूरा। तो आप ये जो लास्ट ये सेकंड लास्ट एपिसोड है, दिल्ली पहुंच के आएगा 28 तारीख तक, ठीक है ना भाई? मिलते हैं फिर दोबारा, जब आएंगे तब मिलेंगे, और कभी दिल्ली आओ तो मिलना, ठीक। तो सीधा मिलता हूँ आपको दरगाह के पास पहुंच के यार। सो गाइस बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करके मैं पार्क करके आया हूँ अपनी मोटरसाइकिल, और भैया बिल्कुल भी जगह नहीं थी। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब ये उर्स जो त्यौहार होता है ये था नहीं, तो लास्ट 15 दिन से चल रहा है। कुछ ऐसा है, सीन ऐसा है कि भैया अंदर हम कैमरा तो अलाउड है नहीं, लास्ट टाइम भी मैं शूट नहीं कर पाया था, तो जितना हो सकेगा मोबाइल से मैं कर पाऊँगा आप लोगों के लिए दिखा दूँगा। तो बेसिकली भी मैं अपना चादर वगैरह ले रहा हूँ, मैं अपनी चादर वगैरह ले रहा हूँ, मैंने बोला हुआ भी था तो लेता हूँ। फिर दोबारा जब यहाँ से निकलेंगे देन आई विल लेट यू नो कि कैसा रहा क्या रहा, और जितने शॉट्स ले पाऊँगा मैं आप लोगों के लिए उतने शॉट्स मैं आपके लिए लूँगा यार। सो गाइज मैं आ गया हूँ वापस दर्शन करके, और हाजी साहब ने दर्शन कराए, और अगर ये ना होते तो दर्शन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। कहीं भी ढाई 3 लाख तो अंदर लोग हजरत रहे होंगे, तो कम से कम 2.5 से 3 लाख के करीब
अंदर इतने लोग थे और कैसे हमने दर्शन किए भाई? बहुत बढ़िया। और मुश्किल कितना था अगर अकेले करते तो? अगर अपने आप करते तो कोई नहीं बात है। तो धन्यवाद जी आपका, आपको कार्ड मिल जाएगा जी सर। तो मैं इनका कार्ड है, मैं बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। भाई एक मिनट पकड़ लेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो अगर कोई आना चाहे आपको कॉल करके आ सकता है। जरूर कॉल करके आओ। इफ यू आर वाचिंग, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको नीचे भी दे दूंगा। टाइम टेबल पूछ के आओ। हाँ जी, टाइम पे बंद होता है रात को, दिन को पूजा का टाइम होता है 3 से 4 बजे और रात को जो है सर्दी में 9 बजे बंद होता है, गर्मी में 10 बजे तक खुला है। और शराफत भाई ये शराफत भाई हमारे, इनसे मैंने चादर वगैरह और जो लिया था सारा सामान इनसे लिया था। और मैंने भाई को भी चैनल सब्सक्राइब करवा दिया अपना फेसबुक पे। बहुत फॉलोअर थे भाई के। अच्छा, नहीं यूट्यूब पे, फेसबुक पे बोला। तो बस अब भाई प्रमोट आपको करना है। चलो चलो कर देंगे, ये अब आपके ऊपर है, कर देंगे। ठीक है ना। तो भाई भी अपनी फैमिली का हिस्सा हो गए हैं, अपने परिवार का हिस्सा हो गए हैं। तो इज द पार्ट ऑफ आवर फैमिली यूट्यूब चैनल। तो यार कुछ नहीं, अंदर नहीं दिखा पाया बिकॉज मैं आपको कह रहा हूँ पैर रखने की जगह नहीं थी और शूट तो मैं क्या करता, बट दर्शन बहुत अच्छे हुए भाई साहब की वजह से। तो कुछ नहीं यार, चलते हैं यहाँ से। अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दिया यार, इतनी इन्फॉर्मेशन पे तो लाइक करके जाना और शेयर भी कर देना ये ब्लॉग, तो ज़रूर शेयर करना बिकॉज काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है अभी भाजी ने। तो हाजी सैयद अहमद समी उस्मानी। हाँ जी, हाजी सैयद अहमद समी उस्मानी, उस्मानी साहब। हाँ हाजी सैयद, मैं इतना खादिम गरीब नवाज। ओके, मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ क्योंकि उर्दू के वर्ड्स हैं तो थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ। तो ठीक है यार, अपना चलते हैं, या तो यहाँ से चौपाटी जाएंगे, जाएंगे होटल और वहीं पे करेंगे इस व्लॉग को, समझ जाओ। एशिया में सो गाइस दर्शन हो गए बहुत बढ़िया। और राइट नाउ आई एम एट, ये धागा मिला है वहाँ से, इसे अंदर कर देते हैं। तो राइट नाउ आई एम एट चौपाटी, आपको व्यू देता हूँ कुछ। रात को जस्टिफाई तो नहीं करेगा कैमरा, एक्चुअली पूरा ये लेक है। आई डोंट नो कि ये मैन मेड है या नेचुरल है, इसका मेरे को आइडिया नहीं है। तो ये कुछ ऐसा लेक है जिसमें बहुत सुंदर लगता है। और बेसिकली जितने भी उदयपुर के, अजमेर के जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं अपना चाट पकौड़ी खाने, रबड़ी फलूदा खाने और गोलगप्पे। भाई है ना, गोलगप्पे है ना उधर, मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे। तो होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। जोधपुर से अजमेर अंदर दर्शन कैसे हुए ये हम लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा। तो कुछ नहीं यार, नॉर्मल व्लॉग था, आपको राइडिंग दिखाया अजमेर अंदर से, दरगाह नहीं दिखा सकता था, दरगाह नहीं दिखा पाया। भाई आप थोड़ा सा पकड़ लेंगे, परमिशन नहीं थी। हाँ परमिशन नहीं। तो कुछ नहीं यार, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना। ये था एपिसोड नंबर 7, तो खत्म करते हैं एपिसोड नंबर 7 को, मिलते हैं एपिसोड नंबर 8, दैट इज़ अजमेर टू दिल्ली। तो ये जो पूरी राइड राजस्थान राइड बहुत अच्छी रही हमारी, बहुत बढ़िया रही। और थैंक्स टू वैभव भाई, सीरियसली थैंक्स टू वैभव कि उसने इतना सपोर्ट किया मेरे को, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस ऑफ यूट्यूब जो वैभव ने बताया भी है कि थे, वो खुद बता देगा। एक बार चैलेंजेस बहुत है, शायद एक व्लॉग बनाए इसके ऊपर। हाँ शायद इसकी एक अच्छा हुआ है कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ यूट्यूब और यूट्यूबर्स। तो कुछ नहीं कहा, इसी ऊपर बाद में बात करेंगे, अभी कुछ नहीं है, होटल जाएंगे या कुछ यहाँ पे खाएंगे पियेंगे और कल निकलेंगे हम दिल्ली के लिए, यानी एपिसोड नंबर 8 में। तो वही बोलूँगा जो हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, ऑलवेज वी आर गुड प्रोटेक्टिव गियर व्हाइल राइडिंग एंड फैसिलिटी हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग टू #। रिस्पेक्ट लाइफ, फंबल रिस्पेक्ट लाइफ। तो बस यार और कुछ चलते हैं खाते हैं पीते हैं। और जो पूरी सीरीज आएगी ना राजस्थान की, आप कहोगे क्या कह रहे हो लड़के, क्या कह रहे हो।